गोवा में रशियन पार्टी में क्या क्या होता है, या फिर ये कहें गोवा में रशियन नाइट पार्टी में क्या क्या होता है। तो ये है रशियन नाइट पार्टी का टिकट काउंटर और मुझे पर पर्सन 500 पे करना पड़ रहा है। तो टिकट काउंटर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई फाइव स्टार होटल नहीं है, ये तो जंगल है और इसी जंगल में मंगल करने वाले हैं रशियन लोग, और यहाँ पर अकेला इंडियंस केवल मैं ही हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको रशियन नाइट पार्टी, वो भी गोवा में, या फिर ये कहें गोवा की नाइट पार्टी है और ये गोवा की एक जबरदस्त नाइट लाइफ आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे रशियन फ्रेंड हैं, लेकिन मैं केवल 3 रशियन फ्रेंड से साथ आया हूँ। एक है मरत, दूसरा है विक्टोरिया जो कि एक गर्ल है, तीसरा है पासा, और यहाँ पर इंडियंस की बात की जाए तो केवल मैं ही इंडियंस हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि रशियन लोग नाइट पार्टी में क्या क्या करते हैं और लाइव दिखाऊँगा आपको कि कैसे इंजॉय करते हैं। यहाँ पर एडल्ट सेक्शन भी है जहाँ पर आपको ऐसी नशीली चीज़ें मिल सकती हैं, मिलती हैं मैं ये नहीं बोलूँगा, मिल सकती हैं अगर आपके अंदर एबिलिटी है, वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जो किड्स जोन है, किड्स के एंटरटेनमेंट के लिए है, वो आप देख सकते हैं। Вы следующий челнок. Так, следующий челнок кто? Вы вдвоем, хорошо. Готовы? Ну, обратно, обратно, куда побежали? Обратно, бегайте, обратно, давай, обратно, обратно, обратно. Ребята, мы начнем петь, начнем ходить, и только после этого прибегайте, понятно? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोवा में रशियन लोग नाइट पार्टी कहाँ करते हैं, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा एडल्ट सेक्शन एंड लड़कियों के लिए जो सेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी सी चीज़ें मिलेंगी जो कि रशियन लोग प्रिपेयर करते हैं और रशियन तरीके से, और रशियन लड़कियों के लिए तो होम मेड ज्वेलरी मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर चीज़ें थोड़ा कॉस्टली हैं, लेकिन आपको विदेशी चीज़ वो भी गोवा में चाहिए, वो भी इंडिया में चाहिए, तो आप ले सकते हैं और मज़ा तो बहुत ही आने वाला है। तो अभी और आगे चलते हैं और इस रशियन पार्टी को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन बताना चाहूँगा कि यह कहाँ पर होती है, यह ट्रिप फाउंडेशन में होती है, या फिर ये कहें ट्रिप फाउंडेशन गोवा में होती है। तो ट्रिप फाउंडेशन कहाँ है, मैं आपको लोकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा या फिर इंस्टाग्राम में बता दूंगा। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो आप गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हैं ट्रिप फाउंडेशन गोवा, और आप यहाँ पर आके रशियन पार्टी का इंजॉय कर सकते हैं, और रशियन हर वीक एवरी वीक यहाँ पर पार्टी करते हैं। Раз, два, три, четыре, пять. Все, теперь ваша пара дальше прибегает. Закусали комары, закусали мошки. Надо сварить, приготовьте ложки. Сварить, надо не доваривать. Гармониста любить, надо уговаривать. इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको ले चलता हूँ इस प्रोग्राम की तरफ, और आप देख सकते हैं ये लोग क्या करते हैं। स्प्रिंग आने का मतलब स्प्रिंग ऋतु जब आती है उसका वेलकम इस तरह से करते हैं रशिया में, और इसीलिए ये लोग गोवा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेम ट्रेडिशन, सेम कल्चर, और ये है गोवा की नाइट लाइफ, या फिर ये कहें गोवा की नाइट पार्टी, और ये भी कह सकते हैं गोवा की रशियन नाइट पार्टी जिसे आप देख रहे हैं। तो चलिए देखो और इंजॉय करो, और मिलते हैं कुछ देर बाद।
आई होप आपको गोवा का यह वीडियो पसंद आया होगा, या फिर ये कहें गोवा का यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप गोवा के नाइट पार्टी से रिलेटेड या फिर गोवा की रेसिन पार्टी से रिलेटेड और वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।